हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला वार्ड नंबर 12 के खड़क मंगोली गांव में पानी की निकासी को लेकर आ रही समस्या को हल करने के लिए मौके पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय निवासियों को पीने के पानी और गंदे पानी की निकासी की समस्या के जल्द समाधान के लिए मौके पर मौजूद नगर निगम में हरियाणा शहरी प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके। खड़क मंगोली पंचकूला में कुछ नाले की समस्या को लेकर के और थोड़ा की पानी की कमी को लेकर के ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। ये जो नाला आप देख रहे हैं, बड़ी देर से यहाँ गंदगी है। कुछ लोगों ने नाले के ऊपर मकान बनाने की वजह से ये नाले को डाइवर्ट कर दिया है। वो डाइवर्शन से सैकड़ों मकान जो है बरसात के दिनों के अंदर पानी में डूब जाते हैं। तो ये समस्या के समाधान के लिए हमारे सभी HSVP के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी यहाँ आए हैं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। हमने जो यहाँ खड़क मंगोली के कुछ भाई हैं जिन्होंने नाले के ऊपर मकान बनाए हुए हैं, उनसे बेनती की है कि वो थोड़ा सा जगह जो है वो पाइप डालने के लिए नाले के लिए वो दे दें ताकि नाले को पाइप डाल करके सीधा गगर के अंदर हम ले जा सकें। तो उस दृष्टि से आज हमने कहा कि 25 तारीख तक वो अपनी अपनी जो नाले के ऊपर बनी हुई कंस्ट्रक्शन है उसको हटा लें। 25 तारीख के बाद जो हमारे HSVP के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी वो इस नाले को बनाने का काम शुरू करें ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके, परमानेंट सोल्यूशन। बता दें कि सेक्टर 1 खड़क मंगोली से लगातार शिकायतें आ रही थी कि वहां पर पीने के पानी की समस्या है, वहीं गंदे पानी की निकासी व्यवस्था भी सही नहीं है, जिसके बाद आज विधायक पंचकुला एवं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।